सम्मानित पत्रकार बंधुगण और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका हृदय से स्वागत अभिनंदन। ऐसे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की प्रेस वार्ता इसके पहले भी आप सबके बीच में हुई है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाते पदभार ग्रहण करने के बाद आज पहली बार आप सबसे प्रदेश कार्यालय में आपका मुखातिब होने जा रहे हैं आप सबके बीच में। मैं इस विशेष अवसर पर फिर से एक बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अमित कुमार सिंह जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब पीछे फ्लैश लगा हुआ है उसको देख के समझ रहे होंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कल जो संकल्प यात्रा पर निकल रहे हैं पूरे प्रदेश में, जो ऐतिहासिक यात्रा इनकी होने वाली है, इस संबंध में आप सबसे बात रखेंगे। मित्रों, इसके पहले आप सबके बीच में अपनी बात रखें, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि यात्रा के संबंध में जो एक स्टिकर जारी हो रहा है, आप अपने कर कमलों से उसका विमोचन करें आप सबके बीच में, तत्पश्चात आप सबके बीच में आगे की बात आएगी। अरे पंखा तो बंद कर दो, ये बीच वाला बंद कर दीजिए, बीच वाला आवाज है। बहुत बहुत आभार। और अब मैं सीधे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि आप सबके बीच में आज के संदर्भ में अपनी बात रखें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, अभिनंदन है। आज बड़ा क्या बोलते हैं, झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज एक ऐसे महापुरुष या राष्ट्र पुरुष जिसको कह सकते हैं उनकी पुण्यतिथि। आवाज नहीं आ रहा है, इतना जोर से बोल रहे हैं जी। अब तो हमने कह रहा था कि भाई झारखंड के लिए आज बड़ा तो कह सकते हैं सौभाग्य है कि आज देश के ऐसे महापुरुष है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पुण्यतिथि, और झारखंड के साथ उनका जुड़ाव इतना है, मैं समझता हूँ कि झारखंड की जनता या झारखंड वासियों उनके ऋणी रहेंगे सदैव। क्योंकि आज जो झारखंड प्रदेश में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं,
तो झारखंड राज्य को भी बनाने का जो श्रेय देश के प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनको जाता है, क्योंकि अलग राज्य की मांग आज से नहीं बल्कि वर्षों से, और वर्षों ही नहीं स्वतंत्रता के समय से ही झारखंड राज्य की मांग चल रही थी। यहाँ से आंदोलन हो रहा था और आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में यहाँ के आदिवासी भाई बहने हुआ करते थे, और उस समय अखंड रूप से कहिए कि देश में और प्रदेशों में भी यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती। कांग्रेस पार्टी बातें तो आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी लोगों ने आदिवासियों की भावनाओं का कद्र नहीं किया, सम्मान नहीं किया। कांग्रेस की केंद्र में चाहे नेहरू जी की सरकार रहे हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार रहे, चाहे राजीव गांधी की सरकार रहे, चाहे नरसिंहा राव की सरकार रहे हो, इन लोगों ने यहाँ के जो ट्राइबल लीडर थे, जो झारखंड राज्य का जो नेतृत्व करते थे, उनको अपने गोद में बिठाते रहे और खिलाते रहे, और झारखंड राज्य के नाम पर कुछ भी लोगों ने नहीं किया। और झारखंड के नेता भी, यानी जिन लोगों ने राज्य नहीं बनाया कि उनके साथ ही वो रहे, चूंकि उनको थोड़े बहुत पैसे से उपकृत करते रहे या कुछ पदों से भी वो उपकृत रहे करते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया अपनी घोषणा पत्र में कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। और मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में उनके नेतृत्व में सरकार बनी, वो मात्र 13 दिन की सरकार थी, तो सरकार ने बहुमत भी उस समय नहीं प्राप्त किया। 13 दिन की सरकार में ये संभव नहीं था अलग राज बनाना। 2 साल के बाद फिर 1998 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। सौभाग्य था कि हम भी उस सरकार के मंत्रिमंडल में एक राज्य मंत्री के रूप में हमने भी शपथ ली और वाजपेयी जी के साथ हमने भी काम किया, ये हमें सौभाग्य मिला। 1998 के बाद 99 में पार्लियामेंट में कोशिश की गई अलग राज्य के विधेयक को पेश करने की, उस समय काफी हंगामा हुआ। उन सबों के समय का अगर आपको, आजकल तो सब ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, आप लोग देख सकते हैं किन किन लोगों ने उस समय हंगामा किया। कोई लोग कह रहे थे कि हमारी लाश पर अलग राज्य बनेगा, और फिर 13 महीने के बाद सरकार चली गई, फिर चुनाव हुआ, फिर से 1999 में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और उस सरकार में भी अटल जी के साथ राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। और 15 नवंबर 2000 आते ही भारत की पार्लियामेंट से अलग झारखंड राज्य की प्रस्ताव पारित हुआ, भले अलग झारखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी राज्य बना। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस राज्य को किसी ने सम्मान दिया, यहाँ के वासियों को, यहाँ के आदिवासियों को, उनकी भावनाओं का किसी ने सम्मान किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज उनकी पुण्यतिथि था, तो सबसे पहले तो पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, और इसलिए मैंने कहा कि झारखंड की जनता उनके प्रति सदैव ऋणी रहेगी। आज ये झारखंड प्रदेश को बने हुए तो 23 साल हो गए, हमें भी राज्य में पहले मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, फिर विकास की जो बुनियाद, विकास के काम जो हम सब लोगों ने किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारे बाद फिर अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी भी बने, इस राज्य के विकास के लिए काम हुआ। लेकिन आज इस प्रदेश में जिन लोगों के हाथों में शासन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता,
तो मैं ये कहूंगा कि अब 3.5 साल इन लोगों को साथ सरकार में बने हुए हो गया, मंत्रिमंडल इन लोगों ने बना करके, तो इस राज्य के लिए लोगों ने काम नहीं किया विकास के लिए, बल्कि कमाने में लोग लगे रहे, लूटने में लोग लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी, आप सबने कल 15 अगस्त में जब देश के प्रधानमंत्री लाल किला के प्रचार से वो भाषण दिए, तो आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने 3 चीजों के बारे में फोकस किया कि भाई हमें 3 बुराइयों से देश को हमें मुक्त करना है। और वो 3 बुराई क्या है? पहला तो है भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, और तंत्र के स्तर पर ही नहीं बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि भ्रष्टाचारियों को हमें तिरस्कृत भी नहीं करना है, सम्मानित करना तो दूर के बल्कि उनको तिरस्कृत करना है, समाज उठ खड़ा हो, इस प्रकार के उन्होंने आह्वान किया। आज अगर हम झारखंड के परिदृश्य में नजर हम डालेंगे तो यहां तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार। अफसर आज इस राज्य में बेलगाम है, कहीं भी लूटने में लगे हुए, उनको पैसा लेने में भी कोई डर नहीं है, चाहे वो थाना में हो, चाहे अंचल ऑफिस चले जाए या किसी भी विभागों में आप चले जाए, तो सारे लोग आकर के बताते हैं कि भाई अगर आप कुछ भी कहेंगे तो साफ कहता है जहां जाकर के आप कंप्लेन करना है, शिकायत करना करिए, काम अगर कराना है तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। यानी भ्रष्टाचार जिसको बोलते हैं सर चढ़ करके बोल रहा है, वो अगर कोई राज्य में है तो झारखंड प्रदेश में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प यात्रा है कल 17 तारीख से, और ये यात्रा भी वहां से प्रारंभ हो रही है जहां पर इस राज्य के जो स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों की गुलामी के विरोध में जिन लोगों ने संघर्ष किया था, वो सीधो कानो चांद भैरव फूलो जानो, जहाँ उनके जन्म स्थान है भोगनाडी, यानी 4 भाई और 2 बहनें और उसके नेतृत्व में हजारों संथालों ने, आदिवासियों ने, उस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरोध में लोहा लिया था, वो साहेबगंज जिला के बरहेट विधानसभा के भोगनाडी गांव। तो यह संकल्प यात्रा वहां से प्रारंभ होगी, उनके प्रतिमा में फूलमाला चढ़ा करके। यानी आज जिन लोगों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी सर्वस्व बलिदान दिया और उस देश में भी और उस प्रदेश में जो सत्ता में बैठे और जो आदिवासियों के नाम पर जो राजनीति करे और चारों तरफ आदिवासी ही लूटा जाए, तब तो फिर आप संकल्प लेने की जरूरत है कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की, क्योंकि भ्रष्टाचार भी इस राज्य में इस कारण से है क्योंकि राज्य में जो मुख्यमंत्री है वो भी कोई आदिवासियों को नहीं छोड़ा है, आदिवासी मुख्यमंत्री होकर के आदिवासियों को ही इन्होंने खूब लूटा है और नाम बदल बदल करके लूटा है। भाई ऐसे भी कोई फ्रॉडिज्म करता है तो जहां जिस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार से के हो, तब तो फिर उस राज्य में तो लुटेरे ही फले फूलेंगे, अपराधी ही फले फूलेंगे। इसलिए आप देखते होंगे इस प्रदेश में कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है, विकास का काम भी ठप पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार चारों तरफ चढ़, क्या कहते हैं, सर चढ़ करके बोल रहा है, कहीं कोई लगाम नहीं है। आपने देखा होगा कई एक ईडी जब जांच कर रही है तो क्या कहते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए तंग किया जा रहा है। भाई क्रिमिनल लॉ में कोई आदिवासी नन आदिवासी कोई अलग अलग नहीं होते हैं, अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, भाई भाग क्यों रहे हैं? अभी तो ईडी वालों ने नोटिस दिया था 14 तारीख को, तो ये अपने को मसीहा कहते हैं, कैसे मसीहा आदिवासी के? भाई अगर आपने कोई पाप नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो लिखित में क्या जाकर के बता दीजिए, जो पूछता है वो सवाल का जवाब आप बता दीजिए कि हमने गलत नहीं किया है।
एक तो यहाँ गड़बड़ी भी करेंगे, सीनाजोरी भी करेंगे, भाई ऐसा कैसे चलेगा। जो राज्य के मुख्यमंत्री इस प्रकार से गड़बड़ी करता हो और उसमें केस में कैसे ये करने के लिए बड़े बड़े वकील को लाते हैं अपनी चोर चोरी से, क्या कहते हैं उसको, बचने के लिए, भाई आखिर इतना डर क्या है। आज तो मैं एक खतरे उदाहरण में आप सब लोगों के सामने लाता हूं कि भैया संकल्प यात्रा क्यों है। क्या इस प्रकार के मुख्यमंत्री झारखंड में बने रहेंगे तो झारखंड का क्या हाल होगा। तब तो झारखंड में कैसे ये सीओ बीडीओ डीसी एसपी या थानेदार ये सब तो लूटेंगे ही इस राज्य को, जिस राज्य के मुख्यमंत्री फ्रॉडिज्म करता हो उसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आप सब लोगों को। मेरे पास एक कागजात है, ये जमीन इन लोगों ने लिया है। अब ये एक क्या कहते हैं 2002 में ही कर दिया, मैंने आज के ये नहीं है, जिसको कहते हैं ना पेशेवर फ्रॉड लुटेरा जिसको कह सकते हैं, वो लगता है पैदाइश ही ये लोग इस प्रकार से गड़बड़ है ये लोग। भाई आप इन्होंने जमीन लिया है, बाकी का नाम तो छोड़ दीजिए, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा, क्या बोलते हैं व्हाट्सएप में दे देंगे। हेमंत सोरेन का नाम तो आप सब लोग सुने होंगे, लेकिन शायद हेमंत कुमार सोरेन का नाम नहीं सुने होंगे। इसमें लिखा हुआ हेमंत कुमार सोरेन, मैंने कुमार लगा दिया बीच में। शिबू सोरेन का भी नाम आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें शिव सोरेन कर दिया है। मानी क्या भाई आप बताओ, जाओ नेता है, अब नेता ही अगर फ्रॉडिज्म कर रहा है जमीन लूटने के लिए, वो भी ट्राइबल की जमीन लूट रहा है, मुंडा लोगों की जमीन कर रहा है, बताओ भाई। दूसरा है दुर्गा सोरेन, आप तो नहीं है, स्वर्गीय हो गए, दुर्गा सोरेन का नाम सब जानते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, दुर्गा प्रसाद सोरेन पिता शिव सोरेन, बताओ भाई। फिर बसंत सोरेन के भी नाम आप सब लोग सुने हैं, विधायक है, लेकिन बसंत कुमार सोरेन पिता शिव कुमार शिव सोरेन, बताओ भाई क्या है ये। ऐसे आदमी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो राज्य प्रगति कैसे करेगा, राज्य से अपराध कैसे रुकेगा, और इनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपराध को ये लगाम लगाएंगे, भूमि लूट को ये रोक पाएंगे। और किसका लिया है जमीन, ये डहरू मुंडा है, कोई मुंडा जाति के लोग हैं, भाई ये आप बताइए। मैंने इस प्रकार की एक दो नहीं, ये तो सैकड़ों ऐसे जानकारी है जो इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके दिया है, और उसके अधिक भी कई संपत्ति है जिसका ये सब तो दिया भी नहीं है। तो ऐसी अनेकों प्रॉपर्टी है ऐसे ही अर्जित किया, जहां से लेकर के उसका संथाल परगना तक। तो इसीलिए इसको तो आप बर्खास्त होनी चाहिए और इसको जेल जाना चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री को। और इसीलिए हमने ये कहा कि अब संकल्प यात्रा पर हम निकल रहे हैं कल 17 तारीख से, और संकल्प यात्रा यही है कि इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस राज्य को लुटेरों से मुक्त करना है, और इस राज्य में जो ट्राइबल की जो अधिकार है वो लोगों को दिलानी है। ये दे नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो खुद ही लूटते हैं, खुद ही लोगों की लूटे हैं संपत्ति। तो इसलिए हमने कहा कि आज आप सबके सामने सिर्फ मैंने एक बानगी, और अभी तो हम 10 अक्टूबर तक हमारी रथ यात्रा रहे, क्या बोलते हैं रथ कार्य, ये संकल्प यात्रा रहेगी, और ये संकल्प यात्रा में आप सब लोगों को देखेंगे कि कई एक चीजें जानकारी जैसे जैसे हमारे पास उपलब्ध होगी, कई उपलब्ध जानकारियां आप सबको मिलते रहेगी। भाई आप बहुत हो गया इस राज्य को, इसलिए पार्टी ही नहीं बल्कि जनता को भी आप हमें संकल्प कराना है कि भाई इस राज्य से ऐसी भ्रष्ट और लुटेरी सरकार को झारखंड से मुक्त करनी है, तभी झारखंड का विकास होगा, तभी झारखंड में अमन चैन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
14 तारीख को जो ईडी का सफर हुआ था उसको लेकर के पत्र ईडी को सौंपा है, उसमें उन्होंने राज्य को अस्थिर करने और ईडी के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने की बात की। मैंने कहा कि वे तो पैसा के बल पर यही करेंगे ना, यही कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा कहना है अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है तो डर काहे को है भाई हेमंत सोरेन को, किस चीज से डर रहे, किन से डर रहे? डर है तभी तो वो कागज भेज रहे हैं, तभी तो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं एग्जाम में। अरे मामला हमने बताया नहीं कि ये 2002 का हमने बताया नहीं आपको, रांची का है भाई। अरे मोजा वोजा तो यहाँ उसमें उतना खोज लीजिएगा, मिल रहा आप लोग कर लीजिए, खाता प्लॉट नंबर सब है इनके पास है ना। वो जिला वाला जहाँ रखे होंगे वहाँ बिताएंगे। अब क्या झारखंड तो सब गाँव में मेरा है, कोई ऐसा थोड़ो है। अब रोज मिलेंगे गांव वालों के साथ ही ना मिलेंगे जी यात्रा। हाँ यात्रा में बात करेंगे कि ट्वीट सेंड कर देंगे, क्या बोले यात्रा में बात करेंगे? नहीं बात क्या, वहाँ तो जनता से बात करेंगे, वहाँ ट्वीट क्या करेंगे? वो तो ट्वीट करेंगे जनता से, आप लोग वहाँ रहिए क्या आइए, क्या दिक्कत है? अरे खुले मैदान में बात करेंगे, बैठ क्या है, बैठ यहाँ आपको दिए, वहाँ खुले मैदान में बात करेंगे सबसे। जो आप बोल रहे हैं जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जेएमएम के लोगों पे, मुख्यमंत्री पे, ऐसी परिस्थिति कुछ महाराष्ट्र में थी, नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे अजीत पवार और एनसीपी को लेकर कहा था, लेकिन अभी की परिस्थितियाँ क्या है कि वो आपके साथ है, तो ऐसी क्या गारंटी आप दीजिएगा झारखंड के लोगों को कि आगे आप हेमंत सोरेन के साथ सरकार में नहीं शामिल होंगे? अरे क्या गारंटी है, भ्रष्टाचारियों के कोस कौन आएगा, कहाँ आपकी दुनिया में है। अजीत पवार पे भी तो यही आरोप लग रहे थे सर एनसीपी को। अब बाहर का तो हम नहीं जानते, इसलिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो गड़बड़े उन्होंने किया है। मेरे पास भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ ना। अरे मैंने कहा कि इनसे आप ले लीजिए, जाके हेमंत सोरेन से पूछ लीजिए आप लोगों को, क्या दिक्कत है? अरे यार आरोप क्या, ये हम कागज बनाए हैं क्या? ये सारा चीज हो रहा है बीजेपी के साथ हुआ है। अरे हम कह रहे हैं, कौन बोले? हम बोले कि बीजेपी क्यों लेगी भाई, वो तो आरोप तो लगाएंगे ना बचने के लिए, राजनीति कर रहे हैं आप लोग भी उसके शिकार मत होइए, मैं इतना ही सावधान कर रहा हूँ आप लोग। सर सीएम जो लेटर लिखे हैं उसमें उन्होंने लिखा है कि हाँ, हम बुलाया गया, हम गए और हम 10 घंटा तक रहे, अब हमने सारी जानकारी ईडी को दे दी, मतलब हमने जो हाँ, तो और फिर मंगाया होगा ना, और फिर कोई सबूत मिला होगा, तो उनको जाना चाहिए, उनको डर किस बात की है भाई, नहीं जा रहे हैं, इससे तो समझ में आ रहा है कि उनको डर है, गड़बड़ किए हैं वो। देखो यार जितना जो गड़बड़ किया है, निशिकांत जी भी उसी आधार पर बोल रहे हैं, अगर आप देखेंगे जो उन्होंने हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट को जो एफिडेविट करके जमा किया है, इतना सारे प्रॉपर्टी भाई 100 से अधिक, 200-250 करोड़ के, फिर कहाँ से अर्जित, क्या कोई फैक्ट्री तो है नहीं उनका, तो ये कोई भी देखेगा अगर इतना कोई लीगल तरीके से इकट्ठा करते हैं तो उनका अंतिम असर क्या होगा, वही होगा। अरे वही कह रहे हैं दर्शाया गया, तो जाने में उनको क्या दिक्कत है भाई, हम तो यही बात बोल रहे हैं ना। सर ये डुबरी में क्या सरेंडर कर दिया भाजपा ने आज के साथ? हम लोगों ने बार बार कहा कि मिलकर के हम लोग लड़ेंगे, तो कह रहे हैं सरेंडर की अजीब बात कर रहे हैं। नहीं कल तो हम नहीं है डुमरी में, लेकिन हम आएंगे वहाँ पर, आज भी हमारे संगठन मंत्री और महामंत्री गए हुए हैं डुमरी में बैठक है आज, ठीक है। अच्छा ये जेएमएम के नेता है सुप्रियो भट्टाचार्य, वो कहते हैं बाबूलाल जी पहले ये बता दें कि हाट बाजार के समय में अगर वो जाएंगे, क्योंकि भीड़ जो है बाबूलाल जी के साथ नहीं रहेगी, ट्राइबल खासतौर से नहीं रहेगी, ऐसा कहा। जेडीएम से आपका प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी से भी कम होना है? चलो भाई वो कहा है इतना परेशान है जब स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब कोई भीड़ जुटेगा ही नहीं, मेरी बात को कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो वो उनको परेशानी किस बात की हो गई बताओ चक्कर में। सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा है, कौन बोले? सुप्रियो भट्टाचार्य,
किसी में इसका जिक्र वो करते हैं, किसमें हर प्रेस वार्ता में से इसका जिक्र करते हैं कि बाबूराम से पूछेगा कि कुतुब मीनार से वक्त। अरे हम तो कूद चुके थे, बीजेपी ने बचा लिया। वो लोग इसी की खुशी मना रहे थे। क्या बोले, किनके कैंडिडेट है? अरे भैया कोई भी लड़ सकता है, उसकी हम दूसरों की हम थोड़ी चिंता करते हैं, हम अपने गठबंधन की चिंता उसके लिए काम करें।